कांग्रेस ने गले की हड्डी बनाया। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का मामला फिलहाल किसी तन पत्ता लगता नजर नहीं आ रहा। 17 मार्च को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवां फार्म हाउस के दोवें आगुओं के विचकार मुलाकात तो बाद दोवें धिरां शांत सन, जबकि हुण मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पत्ते खोलते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को वजीरी की पेशकश की है, जिस मगरों सिद्धू के उप मुख्यमंत्री या कांग्रेस प्रधान बनते फिलहाल विराम लग गया। दरअसल नवजोत सिद्धू आखिरी बार 17 मार्च को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिसवां फार्म हाउस से मिले सन। उस तो पहला भी वो एक बार मुख्यमंत्री को लंच से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हुण एक इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट किया कि नवजोत सिद्धू को सरकार बचाने की पेशकश की गई है और पहले दिन तो महकमा खाली रखा हुआ है। अखबारी रिपोर्टों के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि हुण फैसला नवजोत सिद्धू ने करना है तो उसने कदों वापस आना है। मौजूदा सोने के मौसम के दौरान देश में KMS के अधीन केंद्र सरकार की मौजूदा स्कीमों के अनुसार किसानों तो MSP से फसलों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक के पश्चिमी बंगाल में झोने की सरकारी खरीद सुचारू रही है। साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों और बेरोजगारी के मुद्दे से मोदी सरकार को घेरिया। मनमोहन सिंह लगभग 3 दहाकों से राज्यसभा में आसाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस दे नाल ही उन्होंने भाजपा से धर्म और भाषा के नाम से लोगों को वंडन का दोष लगाया। आसाम असैम्बली चोणों के मद्देनजर उन्होंने राज के लोगों को सब तो वधेरे विकास लिए कांग्रेस की अगवाई वाली महागठजोड़ के हक में वोट पाने की अपील की। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, आसाम में कई सालों तो मेरा दूजा घर रहा है। यह मेरी चंगी किस्मत सी कि मैं 28 साल राज्यसभा में आसाम की नुमाइंदगी की। मैं आसाम के लोगों का उन्होंने प्यार के समर्थन लिए धन्यवादी हाँ। मनमोहन सिंह ने कहा कि आसाम के लोगों ने मैंने 5 साल देश के वित्त मंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री वजह देश की सेवा करने का मौका दिता। अब समा आ गया है कि इस विधानसभा चोण में लोग बुद्धिमानी के नाल वोट कर। 27 मार्च को 4 अप्रैल 2021 के विचकार बैंक सिर्फ 2 दिन के लिए खुलेंगे। जिवें कि तुसीं जानदे हो कि देश में दूजे और आखिरी शनिवार बैंक बंद होंदे हन। 27 मार्च को शनिवार है और 28 को एतवार है तो एक दिन हफ्तावारी छुट्टी है। इस तो बाद सोमवार को होली है। होली तो बाद 31 मार्च को क्लोजिंग होने के कारण काम प्रभावित होगा। यह कहा जा रहा है कि ग्राहकों का काम उस दिन किए जाने की संभावना नहीं है। अगे 1 अप्रैल को बैंकों के ऑडिट कारण बैंक सेवावां प्रभावित रहनगियां। 2 अप्रैल में गुड फ्राइडे की छुट्टी है। इस तो बाद 3 अप्रैल 2021 सारे बैंक खुले रहेंगे, पर 4 अप्रैल एतवार है जिस तो बाद बैंक का आम कामकाज 5 अप्रैल तो ही शुरू किया जाएगा। अमृतसर पुलिस कमिश्नर वालों नशे का धंधा करने वाले माड़े अंसरों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत अमृतसर के एक्साइज विभाग की पुलिस टीम वालों मुखबिर की सूचना के आधार से मकबूलपुरा चौंक में नाकबंदी के दौरान एक युवक मोटरसाइकिल से सवार होकर आ रहा है। उसने रोकने का इशारा किया तो नाके तो मोटरसाइकिल भजाने की उसने कोशिश की थी। पुलिस वालों उसे काबू कर लिया गया, जिस पासों पुलिस ने 90 बोतल शराब दी काबू की उसने अदालत में पेश करके एक दिन का रिमांड हासिल किया गया। इस पूछगिछ की जाएगी यह समान किसके को लेके आता है अगे किस भेजता है। ये मानयोग कमिश्नर साहब साढ़े सास कैन सिंह गिल साहब की हदायत मुताबिक SPD साहब, ACP डिटेक्टिव साहब, मानयोग साढ़े इंचार्ज साहब सात सुखविंदर सिंह रंधावा जी के मुताबिक असी चौंक मकबूलपुरा चौंक एरिए गश्त कर रहे। जदों मकबूलपुरे तो असी स्कूल SS स्कूल वाली गली जा रहे सी, सामने तो एक मोटरसाइकिल पटीना से एक आदमी आता दिखाई दिता, जिन्हें पुलिस पार्टी ने वेख के पिछे मुड़न की कोशिश की, जिसनों छाती कर्मचारी की मदद नाल काबू करके उस पासों 90 बोतल शराब नजायज बरामद करके कार्रवाई की गई है, जिन्हों पेश अदालत किया गया। एक दिन का पुलिस रिमांड लिया, जो कोई होर भी पूछगिछ करके वोदिया पता किया जाएगा कितों लिया के आ किसू देनी है। पहले पता करना बाकी है कि पुछना इन्हें अजे दसिया नहीं कभी गिरफ्तार की। गुजरात में अज संयुक्त किसान मोर्चे वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात सरकार का तानाशाही रूप दिखाया गया। इस मौके जदवीर सिंह जी के JK परेल होना ने उन्होंने दोस्तों ने की गिरफ्तारियों के बारे चानना पाया। गुजरात
गुजरात के किसान भाइयों के साथ हैं और इस मामले में हम जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे और जिस तरह का भी आंदोलन होगा ये तो आंदोलन की धरती है गुजरात पर। महात्मा गांधी यहाँ से हुए हैं, सरदार पटेल यहाँ से, या तो किसान की मुक्ति की लड़ाई है इनसे सरदार पटेल ने शुरू की, ये तो वो क्षेत्र है वीरों का क्षेत्र है और यहाँ पर इस तरह की घोषित इमरजेंसी लगा के ये क्या तरीका है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले आए। पूरा देश इस तरह से कोई किसी के पपोती नहीं है, ये देश सब हम सब का, हम सब उतना ही अधिकार है। प्रधानमंत्री कहते हैं देश एक है, मार्केट एक है, बाजार एक है, तो एक दूसरे जगह जाके हम किसान एक दूसरे से वार्ता नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबंध है। ये निंदा हम करते हैं, ये इनकी इस व्यवहार की निंदा करते हैं और किसान आंदोलन जितना ये उत्पीड़न करेंगे उतना मजबूती से देश में खड़ा हो, ये क्रांति है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की क्रांति, कोई दबने वाला नहीं। गलत फहमी है, इन्होंने किसान को छेड़ा, अभी तक दूसरे वर्गों को छेड़ के इन लोगों ने शायद हो सकता है दबाया हो, अब की दफे इन्होंने किसान को पुलिस आपके कार्यक्रम में आई है यहाँ पे, आप क्या कहेंगे? देखिए ये गलत है, ये मतलब कहना चाहिए, ये समझे डिक्टेटरशिप है और उसी की वजह से ये इस तरह का प्रशासन का रवैया, वार्ता करना, प्रेस से बात करना कोई गुनाह नहीं है, वो भी ये प्रजातीय डेमोक्रेसी राइट है, कोई भी आदमी अपनी बात रख सकता है, अपनी बात को कर सकता है, इस तरह का व्यवहार चलो खरेखर खेडूत ना दीकरा छो ये ते विचार करो कायदो खेडूत ચૂંટણી હોય અત્યારે ગાંધીનગરની ચૂંટણી છે ઓકે વાંધો किसान दिल्ली जाना चाह रहा है, आ जाऊँ अभी नहीं, मैं कहीं भाग नहीं रहा, चला जाऊँगा, मैं बात कर रहा हूँ, हम इस बात की परवाह करते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, ये सब साधारण चीज है। कैद में तो गांधी जी बहुत समय रहे थे, हम बंद हो जाएंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ता, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बात को कह के रहेंगे। आपका प्रयास शुरू के लिए आपने राकेश टिकैत जी भी आ गए और पुलिस ने यहाँ पे अटैक करनी शुरू किया है, गुजरात में पूरे देश को ये पता अच्छा नहीं है और हमने तय कर लिया है कि गुजरात के भाई गुजरात के भाई गुजरात के भाइयों को इस शोषण से मुक्त करेगा। दिल्ली नहीं जाने दे रहे हमारे किसान, दिल्ली जाना चाहते हैं, आ जाऊँ अब मैं कोई भाग नहीं रहा, चला जाऊँगा, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आ जाऊँ, मैं आऊँगा, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहा कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो
मैं हम आएंगे एक्शन लेंगे, कोई ऐसा डर नहीं ना, हम इस बात की परवाह करते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, ये सब साधारण चीज है। कैद में तो गांधी जी बहुत समय रहे थे, हम बंद हो जाएंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ता, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बात को कह के रहेंगे। અત્યારે હાલ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે, પોલીસ આંદોલન છે કે સાથ ભી એસા નહીં હોતા તો અત્યારે હાલ તેઓ કહી રહ્યા છે કે તેઓ જનરલ નથી, અહીંયા માત્ર ને માત્ર તેઓ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવા માટે આવ્યા હતા, એ પ્રેસ કોન્ફરન્સ ગુજરાત મોડલ ભલે કંઈ પણ થાય પરંતુ તેઓ આગામી સમયની અંદર આ આંદોલન ને જારી રાખશે, એટલે કારણે કરી રહ્યા છે અને અત્યારે હાલ એમની અટકાયત જે છે એ પણ કરવામાં આવી છે, તો થોડી વાર પહેલા જ પોલીસ क्या मैसेज लेके जाएंगे आप? गुजरात के किसानों को क्या कुछ कहूँगा, प्रदेश है इकट्ठे हो जाए और लड़े इस उत्पीड़न के खिलाफ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ।